Yes. So with these comments, I support the bill on behalf of YSR Congress Party. Thank you. Thank you, sir. Shri Hasanain Masoodi ji. जी था आप उस वक्त थे नहीं अब जरा इसके बाद बहुत शुक्रिया जनाब मसूरी साहब के साथ जी जनाब आपने मुझे मौका दिया इस बिल पर बोलने के लिए इसका शुक्रिया तो जनाब मैं बिल के कंटेंट से ज़्यादा पहले जनाब बिल के फॉरम पर ये प्रयास है इस पर आ रहा था जनाब मैं ऑनरेबल मेम्बरान से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो देख लें क्या किया जा रहा है 1999 का कानून जो जम्मू कश्मीर असेंबली ने पास किया है और 2000 का कानून उसमें संशोधन उसमें तरमीम की जा रही तो जनाब 5 अगस्त 2019 को जो एक मार्केट किया गया मिस्ट्रुथ पर कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं है कोई पंचायत नहीं है कोई कानून नहीं है इसलिए 5 अगस्त का जो फैसले किए गए वो ज़रूरी बन गए अब जनाब उनकी तकजीब होती है ऑल दोज व्हाटएवर वाज मेड व्हाटएवर वाज सेड इज़ बिलाइड अब जनाब ये 1999 में कानून मौजूद था पंचायतें वहाँ पर इलेक्शन 1968 में हुई और जनाब ये नहीं कि हर एक स्ट्रक्चर था तीनों स्ट्रक्चर मौजूद थे इससे ये जो बयान दिया गया उसको मार्केट करने के लिए 5 अगस्त के फैसलों को मार्केट करने के लिए उसकी तकजीब होती है ये तो पहली बात है जनाब 1999 में पंचायत राज एक्ट था और 2000 में म्यूनसिपल एक्ट था और 2000 में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट था जब आज ये यहाँ किया जब जनाब जो बयानिया बनाया गया 5 अगस्त 2019 को कहा गया कि इससे सब ठीक हो जाएगा अब जनाब कल कारगिल और लेह सब जीरो टेम्परेचर में -10 में जनाब सारी की सारी आबादी सड़कों पर थी बंद था कारगिल बंद लेह बंद तो जनाब हमने क्या दिया 5 अगस्त के फैसलों से मुल्क को बल्कि हम मिसलीड करते हैं गुमराह कर रहे हैं अपनी जो आवाम है जम्मू सारे मुल्क की आवाम अब जनाब ये कहा गया है कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई जनाब हमने वीर जवानों को अपने ऑफिसर्स को खोया 20 के करीब ऑफिसर्स को पिछले 3 महीने में और उसमें एक कमांडिंग ऑफिसर जो कि आज तक मुझे लगता है रेगुलर वॉर में भी मैं बार बार कहता हूँ कमांडिंग ऑफिसर की कभी डेथ नहीं हुई तो जनाब ये है कि क्या वो शोरा बयानिया जो था 2-5 अगस्त का वो कैसे गलत था वाकत के खिलाफ था जनाब मैं कंटेंट पर नहीं हूँ जनाब अगर कोई अनरिप्रेजेंटेटिव वो अलग बात है लेकिन ये देखिए जम्मू कश्मीर को क्या बनाया गया और कैसे एक लेबॉरेटरी बनाई गई और सारे देश को मैं ये मार्केट किया जा रहा है वोट के लिए पॉलिटिक्स के लिए और वहाँ जनाब दरअसल वाकात क्या थे जो छुपाए गए अब जनाब दूसरी बात है एक फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा है जनाब केशवनाथ भारती में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे आइन का हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है आज आप कर रहे हैं इस पार्लियामेंट में एक स्टेट का बार बार वहाँ के बनाए हुए कानून का आप यहाँ पर अमेंडमेंट कर रहे हैं क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर के तकाजों के मुताबिक है तो क्या जनाब क्या हम कहीं ना कहीं वॉयलेट नहीं करें जो बेसिक जो मूल मंत्र है कॉन्स्टिट्यूशन का मूल मंत्र है हमारी पॉलिटी का हमने कहा वी द पीपल जब हमने 1950 में आइन बनाया हमने कहा वी द पीपल गिव अनटू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें यह कहा गया कि स्टेट का क्या होगा इख्तियार क्या होंगे और पार्लियामेंट के इख्तियार वहाँ के लेजिस्लेशन के तो जनाब ये क्यों बना किया जा रहा है जो ये इख्तियार असम्बली को ये क्यों हम मिसयूज़ कर रहे हैं क्यों हम पार्लियामेंट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरी बात यह है जनाब यह क्या बात हुई जनाब 1.5 करोड़ लोग हैं ये होना चाहिए था ये संशोधन ये अमेंडमेंट होनी चाहिए थी उस असम्बली में जहाँ पर यह कानून बनाया गया क्या वजह है कि 10 साल से हमारी कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ही नहीं है कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है कोई असेंबली नहीं है इस असेंबली में जनाब ये सारे लोकल मामला थे और लोकल इनपुट्स होने चाहिए थे और लोकल तरजीहात होनी चाहिए थी और वहाँ के जो असेंबली मेम्बरान हैं वो आके इस पर बहस करते हैं कि क्या क्या आवश्यकता है कौन कौन अनरिप्रेजेंट रहा है जहाँ तक खवातीन का ताल्लुक है जनाब पहले से ही खवातीन की रिजर्वेशन मौजूद थी पंचायती राज सिस्टम में और हर तहर पर जब जो भी DDC इलेक्शन हुए उसके बाद जनाब जो वहाँ के चेयरमैन हुए वो सारा वहाँ पर ख्याल रखा गया लेकिन क्या वजह है कि जो असेंबली नहीं बनाई जा रही है इलेक्शन नहीं किया जा रहे हैं नहीं कोई टाइम फ्रेम दिया जा रहा है आप हर बार सिर्फ इसको हसूलियाबी से ताबीर करते हैं 5 अगस्त के फैसले को जबकि हर गुजरते दिन के साथ आपको ये एहसास दिया जा रहा है कि जो आपने फैसले किए वो फैसले सही नहीं थे और देश के हित में नहीं थे हम देश के साथ हैं जनाब हमने देश के साथ रिश्ता जोड़ा तो ये देश के हित में नहीं थे वो फैसले ये साबित करता है जो वहाँ पर मौके पर मामला हो रहे हैं तो जनाब अगर कोई चीज़ हम या कोई चीज़ आइन के दायरे के बाहर में कहूँ तो ये एकदम उजर करें तो जनाब हम ये मुल्क जो है वो हर एक नागरिक का है और इसका इंटरेस्ट जो है वो हर एक को दिल के करीब होना चाहिए
तो जनाब जो आपने यहाँ पर अपने लिए किया है सियासी फायदों के लिए, अब जनाब वहाँ पर जब वो नहीं हो रहा है तो जनाब क्या मामला है, तो क्यों हम उसके इख्तियार जो वहाँ के लोगों के इख्तियार हैं, 1.5 करोड़ लोगों के इख्तियार हैं, जम्मू के लोगों के इख्तियार हैं, कश्मीर के लोगों के, लद्दाख के लोगों, तो अगर होता तो फिर जम्मू में अनसर्टिनिटी क्यों होती, जम्मू में गैर यकीनत क्यों होती, जम्मू में तनाव क्यों होता, तो सिर्फ कश्मीर में नहीं तो लद्दाख में लोग सब जीरो टेम्परेचर -10 में सड़कों पर क्यों होते। तो जनाब ठीक मेरा ये होगा कि एक टाइम फ्रेम दिया जाए। देखिए इस ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का हमने इंतजार किया कि सुप्रीम कोर्ट हमें कहे कि इलेक्शन कीजिए, तो ये पहले जो हमें करना था खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिक्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो तकाजा है उसका पूरा करते हुए वहाँ पर जो इलेक्शन कराना चाहिए था, उसके बजाय हमने सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया और ये भी मुझे लगता है एक बड़ी बड़ी एक शर्मिंदगी की बात है सरकार के लिए। तो जनाब आप इलेक्शन का क्यों नहीं आप कह रहे हैं, तो उस असेंबली पर छोड़िए वहाँ के लोगों को क्या आप, मैंने कल भी कहा ये इस कहीं ना कहीं दिखता है कि जैसे एक नवाबाजी तरीक़ेकार हो, नहीं आप 1.5 करोड़ लोगों को महरूम रखेंगे सारे हकूक़ से जो जमहूरी हकूक़ है, हम यहाँ के आइन के तहत इलेक्शन होगा ना, इलेक्शन होगा और यहाँ सिटी रेस्टोर करने के लिए। और मुझे लगता है कि जनाब अब वक्त आ गया है क्योंकि मोदी जी ने कहा कि हम बड़े बड़े फैसले करेंगे, उस फैसले में ये मुझे लगता है उससे पहले फैसला होना चाहिए कि आप 5 अगस्त के फैसलों को नज़रसानी कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, खुद साहब की क्या पाया, देश ने क्या पाया कि इसका नुकसान कैसे कितना हुआ, वो जनाब उस पर कुछ चर्चा। थैंक यू। बाकी ये जनाब नहीं, यहाँ इस हाउस को इस पर चर्चा होनी चाहिए और ये छोड़ना चाहिए वहाँ की असेंबली पर, वहाँ की असेंबली इसका फैसला करती है।